गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। और भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में बेटा हम पहले ही मौलिक अधिकार के बारे में काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके बारे में काफी डिस्कशन हो गया है। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद में जो भारत के संविधान का जो पार्ट 4 है, भाग 4 है, उसमें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का देके रखा हुआ है। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसके बारे में काफी डिटेल्स में दिया है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उसमें डिफरेंस क्या है। बेटा जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो मौलिक अधिकार हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी संविधान देता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी तरह से आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो इंडिविजुअल, पार्टिकुलरली वो इंडिविजुअल या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाके अपने संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगा सकता है। वो आर्टिकल 32 में इसके बारे में दिया है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रीड्स है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब इन दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके प्रोटेक्टेड है, वायलेशन होता है तो हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाके उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए हम गुहार लगा सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, इसमें ऐसा नहीं है। आप कह सकते हो कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिए हैं, इनका जो बेटा, इनकी जो कोई नैतिक एक राज्य की, देश की, राज्य का मतलब यहाँ देश से भी है और राज्य की जो राज्य जो स्टेट है उनके बारे में है, तो उनका एक नैतिक कर्तव्य है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दिशा निर्देश देता है राज्य को कि राज्य के पास अगर सामर्थ्य है, उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में वो ये सारे कार्य जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो अपनी पब्लिक की अपलिफ्टमेंट के लिए जो जन कल्याण की योजनाएं लेकर आएंगे और कुछ देश के जो नागरिक है उनकी भलाई के लिए कार्य करेगा। लेकिन इसमें यही है, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। इनका अगर कोई राज्य इनको फॉलो नहीं करता है, ये लागू नहीं करता है, तो हम जो संविधान के अंदर ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम न्यायपालिका के अंदर जाके उनको लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सके, ऐसा नहीं है। और दूसरा एक और है, अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फंडामेंटल राइट्स की जो रक्षा की गारंटी आपकी न्यायपालिका लेती है, वो अगर मान लो कि किसी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है और इसके अगेंस्ट में दूसरी तरफ कोर्ट में केस जाता है और उस वहीं पर जो फंडामेंटल राइट्स भी सामने आ जाते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स की जो न्यायपालिका रक्षा करेगी और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व वहां पर पीछे रह जाएंगे। तो यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक जन कल्याणकारी, एक राज्य के कुछ दिशा निर्देश है जो संविधान में दिए गए हैं, जो राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे लागू कर सकता है। अगर बात करें तो जैसे आज आप बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं, या फिर आपको राइट टू एजुकेशन है, या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन है, या फिर काम करने का अधिकार है, सभी को काम करने का अधिकार है, ये राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। वो इस तरह के कर्तव्य सामर्थ्य के अनुसार जुटाएगा और लोगों की जन कल्याण के लिए काम करेगा, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई काम करना है। जैसे आप नैतिक कर्तव्य में बात कर सकते हो, जैसे कि मनरेगा जो बाद में शुरू किया गया, जो
लोगों को रोजगार देने की गारंटी है प्राइम मिनिस्टर की योजना के अंदर, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स की बात करें, तो एक राज्य को एक निर्देशी था संविधान के द्वारा कि भाई लोगों को काम करने का अधिकार मिले, और अगर आप काम नहीं दे पाते हो तो उनको आपको काम की जगह काम दीजिए, या तो फिर उसको काम की जगह पैसे दे ताकि वो अपना निर्वहन कर सके। तो राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य के जैसे काम करेगा और देश के वेलफेयर के लिए काम करेगा, और उसमें कौन कौन से वेलफेयर होंगे उसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो हमने जो आयरलैंड का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से अडॉप्ट किया है, और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिया है। प्राइमरी पर्पस में डिस्कस कर चुका हूं, जन कल्याणकारी राज्य के राज्य एक लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद में है भाग चार को लागू करने के लिए भाग तीन का उल्लंघन नहीं, मैं बता ही चुका हूं। जो पार्ट फोर है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनको लागू करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो सकता, और किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का वायलेशन होता है आप ये इसके अगेंस्ट में न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय इसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और राज्य कोशिश करेगा कि जो देश के अंदर असमानता खत्म हो, चाहे वो आपकी राजनीतिक विषमता, सामाजिक और आर्थिक, ये सब समानता के ऊपर सभी समान हो, इस तरह की राज्य कोशिश करेगा, और स्त्री पुरुष को कार्य देता वक्त किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से कार्य किया जाएगा, और राज्य प्रयास करेगा कि पंचायत व्यवस्था देश के अंदर लागू हो। तो इसी का जो है रेफरेंस को लेते हुए देश के अंदर आपका पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ, और राज्य ये भी कोशिश करेगा कि जो आपकी न्यायपालिका है और कार्यपालिका है उसके बीच में एक गैप होना चाहिए, इनकी शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। अगर कार्यपालिका के पास में न्यायपालिका की शक्तियां आ जाएंगी तो अपने आप में जो आपकी कार्यपालिका है वो तानाशाह बन जाएगी और किसी का कहना नहीं मानेगी। तो इसलिए ये सब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दिया गया है कि दोनों की जो शक्ति है वो पृथक की जाएंगी। और जन स्वास्थ्य, जैसे कि आप देख रहे हो अभी COVID-19 का जो एक एपिडेमिक चली हुई है हमारे देश में, तो इसके लिए राज्य की तरफ से सभी देश, इनफैक्ट सभी वर्ल्ड के, विश्व के सभी देश अपने जो लोगों के हेल्थ का ध्यान रखते हुए जो प्रयास कर रहे हैं उनको फ्री जो मेडिसिन जुटा पा रहे हैं, उनकी केयर देखभाल की जा रही है, अस्पताल के अंदर जो इलाज किया जा रहा है, तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का ही हिस्सा है जिनको राज्य को फॉलो करना होता है। और राज्य सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में यही है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो प्रोटेक्टेड है, और लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व राज्य इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, लेकिन इसके साथ में ये भी है बच्चों कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व है इनको इग्नोर करके कोई भी राज्य अपने किसी भी प्रांत के अंदर या देश की केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना सकती, इनका वायलेशन करके इनके अगेंस्ट में कोई कानून नहीं बना सकती। हम बात करें तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेगा राज्य कि सबके लिए समान रूप से देश के हर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक समान जो न्यायिक व्यवस्था हो, कानूनी व्यवस्था हो, कानून की नजरों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। और इसी दिशा में आप जो ये सरकार है प्रयास कर रही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देखो क्रिमिनल लॉ वाला तो हमारे यहाँ पे इक्वल है, अगर कोई अपराध करता है तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके साथ में समान व्यवहार किया जाता है। लेकिन अगर सिविल लॉ की बात करें तो अभी भी जैसे मुस्लिम है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उनके निर्णय होते हैं, और अपने लिए जो हिंदू के लिए जो एक अलग से कानून व्यवस्था, जो देश की कानून व्यवस्था है वो लागू होती है। तो इसको भी प्रयास करेगा कि देश के अंदर अगर बात करें तो फिर गोवा ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि सभी के लिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं वहां पर, सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान
संहिता है, सभी लोग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से को फॉलो करते हैं। इसके बाद में बेटा स्वास्थ्य के बारे में हमने बात कर लिया, और जो आपकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन है, वो राज्य प्रयास करेगा कि जो मातृभाषा में देने की कोशिश हो जाएगी, जो रीजनल लैंग्वेज है, और हिंदी को बढ़ावा देने का सभी प्रांत कोशिश करेंगे कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन इसके साथ में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को किसी प्रांत के ऊपर थोप नहीं सकती, और राज्य सरकार की अपनी स्वेच्छा है वो लागू करना चाहे या ना करना चाहे, या कहां तक हिंदी को लागू करना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से बेटा यही सब कुछ है इसमें। शिक्षा पाने का आपका जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो आपको यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही वहां जाकर आपको फंडामेंटल राइट्स में, जो बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो फ्री शिक्षा दी जाती है और कंपल्सरी शिक्षा है, वो यहीं से उठाकर लिया है और उसको जो फिर डाला गया है अपने आर्टिकल, ये एक अमेंडमेंट लाकर 2002 में एक अमेंडमेंट लाकर संविधान के अंदर, अब ये इसको आर्टिकल 21A में डाल दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अदरवाइज वो पहले जो था आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में था। तो यानी कि धीरे धीरे राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस आर्थिक जैसे प्रोग्रेस होगी देश के अंदर, वो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो उनको देश के अंदर लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चाहे वो आपके मनरेगा है या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने की बात हो या फिर और कोई है, जैसे हम सभी को समान रूप से जो काम, एक समान रूप से अवसर, जो काम करने का अवसर मिले, ये सभी हम क्या करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल से धीरे धीरे इनको शिफ्ट कर हम लोगों के मूल अधिकार की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बेटा यही टॉपिक था, कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच में कुछ अंतर विरोध है, कहीं कहीं पर दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, कोर्ट के सामने आ जाता है कि क्योंकि कोर्ट मजबूर है जो आपके डायरेक्ट ये मूल अधिकार है उनको, उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि संविधान में उस बात की विवरण दिया गया है कि कोर्ट की जिम्मेवारी है। तो कहीं कहीं पर विवाद होता है, उसके बारे में हम फिर दूसरे एक टॉपिक में बात करेंगे। आज इसी के साथ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.